वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जितना भी आपका ऑनलाइन क्लास के लिए रिक्वायरमेंट था, 10 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं, उसमें किस तरीके का सिलेबस और टॉपिक रहेंगे, इसके बारे में मैंने इस छोटी सी वीडियो में छोटे थोड़े डिटेल्स डाले हैं, आप समझेंगे शायद इसको। तो एक्चुअल में आप देखिए वीडियो, उससे आपको पता लगेगा कि आपको फ़ायदा है ज्वाइन करने का, नहीं है। दूसरी चीज़, वरीज करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 5-10 दिन में बता सकते हैं कि आपके नहीं हो पा रहा आपसे, या नहीं सीखना है, या कुछ भी आपका रिलेटेड इशू है, तो हम आपकी 80% फीस रिफंड कर देंगे, फीस की टेंशन मत लेना। किसी भी तरह का मोबाइल रिलेटेड काम हो, आपको एच का काम सीखना हो, कॉम्बो, टच डिस्प्ले, कुछ भी परचेज करना हो, अपना सेटअप बनाना हो, आप टेबल बनाना चाहते हैं जिससे एक प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए प्रॉपर बजट हो, कौन कौन से टूल लेने हैं, क्या PPT, कुछ भी आपको इश्यूज हो, मेरा नंबर है, इन द डिस्क्रिप्शन भी है, वीडियो के एंड में भी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेफिक्र होकर। किसी भी तरह का कोई इशू हो, मैं फॉल्ट पूछ सकते हैं, मैं टाइम निकालता हूँ, जब भी मेरे पास ऑप्शन होता है आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल के छोड़े, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, करूँगा ज़रूर। और देखिए वीडियो, समझिए कि आपको ज़रूरत है, हम एक ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं, आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, अपनी रिक्वायरमेंट को समझें, अगर आप अपना काम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा कोर्स ज्वाइन करें और अपने काम को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप देखिए, मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कॉमेंट्स में, व्हाट्सअप में कॉल कीजिए, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जितने भी एक मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सब के बारे में प्रॉपर डिटेल में जानेंगे, जितने भी कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, LDOs और जितने भी कंपोनेंट्स एक फ़ोन में लगे होते हैं सबके बारे में फुल डिटेल में हम जानेंगे। जैसे कि अपनी क्लास, मान लीजिए कैपेसिटर की क्लास चल रही है, उसमें हम जानेंगे कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, जैसे कपलिंग, स्टोरेज, फिल्टर, टर्मिनल, और इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मान लीजिए कपलिंग कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और सर्किट में ये किस तरीके से काम करता है, फॉल्टी है या ओके है कैसे पता करेंगे, और इसको हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते या वापस लगाना पड़ेगा, और इस तरह से हर एक कंपोनेंट पे हम डिटेल में जाएंगे ताकि अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद हम बेसिक सर्किट्स को बनाएंगे, पढ़ेंगे उनको, जैसे बेसिक लाइट सर्किट, 6-पिन और नॉर्मल चार्जिंग सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ताकि आपको थोड़ा सर्किट की नॉलेज हो। IC की स्टैंडबाय रिक्वायरमेंट्स को हम समझेंगे, जैसे ग्राफिक्स, बैकलाइट, MMC, RF, चार्जिंग पावर। इस IC को वर्क करने के लिए, जो स्टैंडबाय होने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, जैसे कोई भी, तो हम प्रॉपर जानेंगे कौन सी IC को कौन सी वोल्टेज चाहिए ताकि वो अपना आउटपुट दे सके, ताकि हमें पता लग सके कि IC ख़राब है या फिर पावर से दिक्कत है। तो हम हर एक IC के बारे में जानेंगे। सेक्शंस की बात करें, स्मैटिक्स और प्रैक्टिकल के साथ, चार्जिंग, नेटवर्क, लाइट, ग्राफिक्स, पावर, कैमरा, सिम, टच, ऑडियो सेंसर, जितने भी सेक्शंस होंगे हम कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं नेटवर्क को लेता हूँ, अगर हम नेटवर्क सेक्शन को रीड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसका वर्किंग सीक्वेंस, किस तरह से मल्टीपल चिप्स, जैसे CPU पावर और 4G पावर एम्पलीफायर, 2G, ये सब मिलकर एक RF सेक्शन को ऑन करते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसमें समझेंगे कि कैसे आपकी नेटवर्क की चीज़ें काम करती है डिस्प्ले के लिए। यही चीज़ वर्किंग सीक्वेंस हर सेक्शन में हम समझेंगे, डिस्प्ले में, लाइट में, ग्राफिक्स में, हर चीज़ में, नेटवर्क में, और सभी सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग करेंगे मल्टीमीटर के साथ, ताकि आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो, पूरा 1x1 हम चलेंगे। उसके बाद हम लॉजिक सेक्शन देखेंगे ताकि आपको डेड फोन रिकवर करने में आसानी हो। ये 4 चिप्स होती हैं जो आपके एक फ़ोन को ऑन करती हैं। इसका पूरा सीक्वेंस समझेंगे हम, किस तरीके से पावर ऑन करता है CPU, किस तरीके से EMMC ऑन होता है, किस तरीके से हर चीज़ काम करती है। उसके बाद हम कुछ पावर IC के सीक्वेंस को देखेंगे, फर्स्ट पावर कौन सी आउटपुट होती है, सेकेंड कौन सी, थर्ड कौन सी, किस तरीके से अपना जो पावर IC है वर्क करता है, और बाकी के एक्स्ट्रा में हम समझेंगे DC रीडिंग्स को,
शॉर्टिंग, लीकेज, रीबॉल प्रोसेस, एसएमडी टेम्परेचर, फ्लैशिंग, एफआरपी वगैरह मैं आपको इसमें एंड में क्लियर करा दूँगी। और इन फ्यूचर मैं आपके लिए फ्री क्लासेस मैनेज करूँगा जिससे आपको इजी जेट टेक यूज़ करना, रीप्रोग्रामिंग, ईएमएमसी रिपेयरिंग, डीएसओ टेस्टिंग, स्वैपिंग में आसानी हो। ये आपके लिए जो आपका फर्स्ट बैच है इनमें जितने भी बच्चे होंगे ये सब के लिए फ्री होगा मेरी तरफ से, ये आपको गिफ्ट रहेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।